हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पी के इलेक्ट्रिकल इंजन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस के। ट्रांसफार्मर लॉसेस, इसमें ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कितने टाइप्स के लॉसेस होते हैं और इनके क्या परिणाम होते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके दोस्तों, बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, तो देखते रहिए पी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो हैं और जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे लगभग लगभग आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और सिविल मैकेनिकल के भी हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंट लॉसेस इन आर ट्रांसफार्मर। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑकरिंग इन ट्रांसफार्मर, कॉन्स्टेंट लॉसेस और आयरन लॉसेस, एंड सेकेंड टाइप्स होता है दोस्तों वेरिएबल लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस। ओके दोस्तों, तो पहले बात करेंगे हम कॉन्स्टेंट लॉसेस और आयरन लॉसेस की। द लॉसेस दैट ऑकर इन दी कोर आर नोन एज कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस। फ्रेंड्स, जो कोर में लॉसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस, और इन्हें हम कॉन्स्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आयरन लॉसेस होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दीज लॉसेस डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई वोल्टेज। जो है एडी करंट लॉसेस हैं और हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं, किस किस पे डिपेंड करते हैं ये दोस्तों? सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, कोर मटेरियल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे। ओके दोस्तों, एज लॉन्ग एज सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, यदि सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट हो तो दीज लॉसेस रिमेन द सेम वेदर द ट्रांसफार्मर इज लोडेड और नॉट। दीज आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट लॉसेस। ओके फ्रेंड्स, यदि सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी क्या कॉन्स्टेंट है तो ये लॉसेस क्या है, कॉन्स्टेंट होते हैं, किस ये चाहे ट्रांसफार्मर लोडेड हो या फिर नो लोड हो। ओके फ्रेंड्स, यदि सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो ये भी चेंज होंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वेरिएबल लॉसेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल लॉसेस क्या है, चेंजेबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। या फिर कॉपर लॉसेस, व्हेन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड, व्हेन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड, करंट फ्लो इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, दे आर कॉल्ड वेरिएबल लॉसेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर जब लोडेड होगा तो मतलब ऑन लोड होगा या फुल लोड पे होगा, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिससे क्या होगा, एनर्जी का लॉसेस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉसेस होगा, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ तो रेजिस्टेंस होगा तो ड्रॉप होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉसेस होगा, और ये डिपेंड करेगा लोड पे। यदि लोड ज़्यादा होगा तो ये लॉसेस ज़्यादा होंगे, लोड कम होगा तो ये लॉसेस कम हो गए, तो ये क्या है, वेरिएबल लॉसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, कॉपर लॉसेस वैसे बोलते हैं क्योंकि ये बाइंडिंग में होकर बाइंडिंग में होते हैं। दीज लॉसेस डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने अभी बताया, देयर फॉर दीज लॉसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल लॉसेस। तो दोस्तों, ये मेन लॉसेस होते हैं इसमें ट्रांसफार्मर में, और भी बहुत सारे लॉसेस हैं, मेनली ये दो ही लॉसेस होते हैं, कॉन्स्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस। ओके फ्रेंड्स, या फिर आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। तो एक बार हम और बता देता हूँ मैं आपको, आयरन लॉसेस है उसमें क्या, आपका एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं, जो फिर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और मटेरियल कोर मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो वेरिएबल लॉसेस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, लोड पर डिपेंड करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा करिए, इससे और लोगों की भी फ़ायदा हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।